आरसी इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रंगोली प्रतियोगिता कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह मौजूद रहे। सबसे पहले जिलाधिकारी ने बच्चों की रंगोली देखकर बहुत ही प्रसन्नता की। उन्होंने बताया कि इस तरीके के कार्यक्रम मैंने में तीसरी बार देख रहा हूं। बच्चों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कहा कि इस तरीके से कार्यक्रम अब इस विद्यालय के बच्चे नुक्कड़ सभाओं को करके लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। रंगोली के इस कार्यक्रम में शिवपाल यादव प्रधानाचार्य कौन सी डिग्री कॉलेज तथा प्रभा कुमारी वाराणसी इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के अलावा कोमल कुमारी, शिवम, रेचा, अंजलि, गंगा, नीतू, नमिता, मुस्कान, शिवानी, सृष्टि, रानी, मनशी, रिया तोमर, मुस्कान, निधि, लवली, रुमाना खान, वंदना राठौर, रुमाना जैन, शेख, मोहिनी, शिवम, कोमल, रेचा, अंजलि, सीआईसी व्यंजना, भावनी, अंकिता, गौसिया, नाजिया, रचिता, चांदनी, समीक्षा आदि छात्रा शामिल रही। मेहनती से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। जी, आज जो कार्यक्रम हुए हैं वो किस तरीके से कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम हुए और कितने स्कूल और विद्यालय इसमें इन्वॉल्व हुए, क्या कहना चाहेंगे? आज निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत विशेष तीसरी तिथि थी 21 नवंबर, उन्हीं के निर्देश पर आज एक विशेष कार्यक्रम जनपद स्तर पर किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय महंगुड़ी ने की। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रंगोली प्रतियोगिता तो थी ही, लेकिन उसके अलावा भी एक मुख्य आकर्षण था कि हम लोगों ने चुनावी पाठशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स के द्वारा एनएसएस के बच्चे और गाइडिंग के बच्चे जो थे उन्होंने ये संदेश दिया कि नई वर्णमाला स्वीप के अनुसार क्या होनी चाहिए, मतदान के अनुसार क्या होनी चाहिए, या मतदान की प्रक्रियाओं को विभिन्न खेलों के माध्यम से, जैसे सांप सीढ़ी के माध्यम से, भूल भुलैया के माध्यम से कई संदेश दिए कि कैसे फॉर्म भरने चाहिए, उन फॉर्म में क्या क्या ज़रूरी कागज़ लगते हैं। बहुत सारे संदेश उन्होंने आज बच्चों ने, जो हमारे कैंपस एम्बेसडर थे, उन्होंने आज संदेश दिए हैं। पोस्टर प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता भी थी, उनसे डीएम सर बहुत खुश हुए और उन्होंने बच्चों को निर्देश दिया है कि वो इस अभियान को जन जन तक ले जाए। क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? संदेश ये देना चाहेंगे कि जो इस समय मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें जितने भी 18 साल से ऊपर बच्चे हो गए और वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज अवश्य करा लें, जिससे कि वो लोकतंत्र में हिस्सेदारी के लिए तैयार हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिफाली यादव, स्वीप कोऑर्डिनेटर मैनपुरी। आज हमारे आरसी इंटर कॉलेज में स्वीप के तहत प्रोग्राम हुआ है, जिसमें कि डीएम सर, डीआई सर, सीडीओ सर, सभी लोग आके उन्होंने बच्चों को इलेक्शन के बारे में बताया और उन्होंने ये बताया कि किस तरह हम लोग नए नए वोटर्स को इस लिस्ट में शामिल करके अपने जो मतदाता हैं उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों ने भी बहुत सारी प्रोग्राम किए, जिसमें कि मेन आज प्रोग्राम था रंगोली का प्रोग्राम। इस रंगोली में हमारे यहाँ 17 कॉलेजेस ने प्रतिभाग किया है और जिसमें कि आरसी इंटर कॉलेज की बच्ची और जीजीआईसी की बच्ची फर्स्ट और सेकंड आए हैं। और बताइए जो कार्यक्रम है वो क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज स्वीप का है प्रोग्राम यहाँ पे, जिसमें कि रंगोली का यहाँ पे प्रतियोगिता रखा गया है और सारे विद्यालय यहाँ पे उपस्थित हैं। कम से कम 17-18 विद्यालय हैं यहाँ पे, जिसमें कि जूनियर और सीनियर हैं। इंटर तक के बच्चे जो हैं वो जूनियर में हैं और बाकी डिग्री कॉलेज के जो हैं वो सीनियर हैं। मैम आप बुला रहे हैं? अच्छा, फिर उसके बाद से ये सारे रंगोली स्क्रिप्ट पे ही बना रहे हैं, मतदाता पे ही बना रहे हैं, जिससे जागरूकता फैले। अभी इधर मेहंदी का भी जैसे था उसमें सारा वो लोग किए और रंगोली में भी रंगोली का जो कलर होता है वो उसको अपना ये कर रहे हैं। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 17-18 विद्यालय हैं। चेक, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? इससे ये है कि अगर ये रंगोली बनती है, जगह जगह ये प्रसारित होगा, सब देखेंगे और इससे जागरूकता फैलेगी। इससे जैसे पोस्टर का होता है, पोस्टर का भी एग्जीबिशन लगा है अभी और रंगोली का भी है, ये एक मैसेज देने का बहुत अच्छा जरिया है। क्या नाम है आपका? नीतू वर्मा, मैं यहाँ पे आर्ट टीचर हूँ और एक कलाकार भी हूँ।
ललित कला अकेडमी से लेके जुड़े हुए हैं, बाकी सारे एग्जीबिशन होते रहते हैं बार बार, तो बाहर भी जाते हैं और यहाँ के बच्चे भी बाहर जाते हैं, आरसी इंटर कॉलेज के, तो वो लोग भी बाहर जाने वाले हैं। सब जगह इतनी दी गई थी, हाँ सब जगह इतनी दी। मैं सभी छात्राओं को अपने काम के ध्यान से करना चाहता हूँ।